सत्या जैसी एक्शन थ्रिलर फिल्म इंडस्ट्री को देने वाले, अपने कई सारे गानों से दर्शकों का दिल जीतने वाले भोजपुरी स्टार सुपरस्टार पवन सिंह की सभी फिल्मों पर इन दिनों दर्शकों की नजरें बनी हुई है, क्योंकि पवन की हर फिल्म में नई नई हीरोइनों की एंट्री होती है। आप लोग जानते होंगे कि पिछले कुछ दिनों से पवन की फिल्म में प्रमोशनल सॉन्ग के बहाने भी कई बॉलीवुड एक्ट्रेस को लिया गया है। संभावना सेठ का जुड़ाव तो पहले से ही इंडस्ट्री से रहा है, लेकिन उसके बाद राखी सावंत, मोनिका बेदी जैसे तमाम स्टारों ने भी भोजपुरी फिल्मों की ओर रुख किया। फिलहाल खबर ये भी है कि खेसारी लाल के साथ आगे चल के पवन कोई फिल्म तो कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल जिस फिल्म की शूटिंग कर रहे हैं उसका नाम है क्रैक फाइटर, क्योंकि क्रैक फाइटर में बहुत समय के बाद संचिता बनर्जी नजर आने वाली है। पवन की इन सारी फिल्मों के अलावा हम आपको बताने जा रहे हैं पवन सिंह की एक नई फिल्म की जानकारी, जो अपने आप में बेहद खास है। पिछले कुछ समय से पवन ने जितनी फिल्में की हैं वो सिर्फ और सिर्फ एक्शन से भरी हैं। पवन को पारिवारिक फिल्मों में देखने के लिए लोग तरस गए हैं, लेकिन पवन को सिर्फ आजकल एक्शन पसंद आ रहा है। अब इन सब के बीच एक खबर पवन सिंह से जुड़ी और उनकी फिल्म से जुड़ी ये है कि पवन सिंह बहुत जल्दी क्रैक फाइटर करने के बाद नो एंट्री फिल्म की शूटिंग शुरू करेंगे। काफी लंबे समय के बाद पवन कोई कॉमेडी फिल्म करने जा रहे हैं, क्योंकि नो एंट्री फिल्म है कॉमेडी बेस्ड फिल्म, जैसे अभी तक आप लोग बॉलीवुड में सलमान खान के साथ और सारे काफी सारे स्टार थे इस फिल्म में देख चुके हैं, लेकिन अब ऐसी ही कॉमेडी फिल्म भोजपुरी में भी बनने जा रही है। आप लोगों के लिए दिलचस्पी का केंद्र तो है ही, साथ ही साथ पवन के लिए ये फिल्म किसी चैलेंज से कम नहीं है, क्योंकि इतने सारे एक्शन से भरे किरदार निभाने के बाद पवन सिंह नजर आने वाले हैं कॉमेडी से भरी फिल्म में। तो आप पवन की इस फिल्म का जब तक इंतजार कीजिए और पवन की जो आने वाली फिल्में हैं उनका फायदा भी उठाइए, क्योंकि बहुत बड़े बड़े बजट के साथ बहुत नई कहानियों के साथ पवन की फिल्म बन रही है। तो देखना ना भूलें पवन की आने वाली सारी फिल्मों को।